दोस्तों, उड़ीसा में हुए भीषण रेल हादसे की असली वजह सामने आ गई है। शुरुआती जांच रिपोर्ट के मुताबिक मामला पूरी तरह से मानव गलती से जुड़ा हुआ है। इसके मुताबिक सिग्नल देने में हुई चूक की वजह से 261 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। मैं आपको बता दूं कि शुक्रवार को उड़ीसा के बालासोर में 3 ट्रेनों की भीषण टक्कर हो गई। हादसे में 261 लोगों की जान चली गई और वहीं बड़ी संख्या में लोग घायल हुए हैं। जानकारी के मुताबिक बहनगा बाजार स्टेशन के पास शाम करीब 7 बजे हुआ ये हादसा। भारतीय रेल इतिहास का अब तक का चौथा सबसे बड़ा भीषण हादसा है। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक बहनगा बाजार स्टेशन पर सिग्नल को लेकर मानव गलती इस हादसे की सबसे असली वजह थी। घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद 4 वरिष्ठ रेलवे अधिकारियों ने हादसे को लेकर रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि गौर से इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन के लिए सिग्नल दिया गया, हालांकि तुरंत बाद ही सिग्नल वापस ले लिया गया। कोरोमंडल एक्सप्रेस को मेन लाइन पर जाने का सिग्नल था, लेकिन वो मेन लाइन पर जाने के बजाय लूप लाइन पर चली गई। लूप लाइन पर पहले से ही मालगाड़ी खाली होने से हादसा हो गया। उसके बाद ट्रेन पलटी तो दूसरे ट्रैक पर डिब्बे आ गिरे। बाद में इसी ट्रैक पर यशवंतपुर एक्सप्रेस आकर भिड़ गई। 2 पेज की यहाँ से लिखी यह रिपोर्ट वरिष्ठ रेल अधिकारियों जैन सुबोधी, आरके बनर्जी, आरके पंजीरा और एके मोहंतु ने तैयार की है। यह रिपोर्ट शनिवार को जमा की गई। रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों को पास करने के लिए लूप लाइन होती है। बहनगा बाजार स्टेशन पर 4 ट्रैक है। एक लूप ट्रैक पर मालगाड़ी खड़ी थी तो मेन लाइन पर आमने सामने से 2 ट्रेनों को पास कराना था। मेन लाइन अब से कोरोमंडल एक्सप्रेस गुजर रही थी, दूसरी तरफ डाउन लाइन से जसवंतर हावड़ा एक्सप्रेस जा रही थी, पर दोनों ही ट्रेनों को इस स्टेशन पर नहीं रुकना था, इसलिए दोनों पूरी रफ्तार से गुजर रही थी। बहनगा बाजार स्टेशन से गुजर रही कोरोमंडल एक्सप्रेस अचानक पटरी से उतर गई। पटरी से उतरी कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे मालगाड़ी से टकरा गए। इस समय वहां की डाउन लाइन से यशवंतर हावड़ा एक्सप्रेस भी गुजर रही थी। SMS ट्रेन के पीछे के डिब्बे पटरी से उतरी कोरोमंडल एक्सप्रेस की चपेट में आ गई। एक पुराने अधिकारी ने बताया कि स्टेशन मैनेजर के ऑफिस में रखे सिग्नल पैनल के मुताबिक मालगाड़ी को लूप लाइन में खड़ा किया गया था। ऐसे में इस बात की आशंका है कि मालगाड़ी के पीछे की कुछ बोगिया मेन लाइन पर रह गई हो और करीब 127 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आ रही कोरोमंडल एक्सप्रेस इसके चपेट में आ गई हो। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि आप इस हादसे से कितने निराश हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।